मैं रैली कोई नहीं किया था, नहीं मैं जुलूस कोई नहीं निकाला था। हम तो वहाँ आए, एक गाड़ी से मैं आए थे, अपने दीनदयाल उपाध्याय जी को माल्यार्पण किए, वहाँ से मैं पैदल चला। अब जनता अपने दुकानों से प्यार देने के लिए हमारे पास आ गई तो उसको मैं किसी अच्छा, चुनाव में आप जा रहे हैं अब विधायक जी, इसको तो मैं गिन नहीं सकता था, 25,000 थे कि 30,000 कि 20,000 जो भी रहे हों, 30,000 मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो आगे बढ़ते गए, कारोबार बढ़ता गया। विधायक जी बताएं, जा रहे हैं विधायक जी आप जा रहे हैं चुनाव में, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में है आपके प्रति, क्या ये नाराजगी आप दूर कर लेंगे? ऐसा कहीं मुझे नज़र नहीं आया। और अगर अपने कार्यकर्ता हैं, अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुआ होगा, हमारे जान में तो नहीं है लेकिन मनुष्य से कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, अगर मनुष्य से गलती ना हो तो भगवान हो जाए, तो उसको मैं सुधार करने का कोशिश करेंगे, अपने कार्यकर्ता को हम मनाएंगे। कितने मतों से जीतेंगे इसके ये कोई इस समय कंपटीशन में है नहीं, तो मैं बताएं कि आप कितने मतों से जीतेंगे। अच्छा विधायक जी, इसके पहले आप एक विशेष वर्ग के हम वोट मांगने नहीं गए थे, आपने साफ मना कर दिया कि हमें इस वर्ग का वोट है, क्या इस बार आप वहां जा रहे हैं वोट मांगने? जो भारत माता की जयकारा बोलेगा, जो प्रभु राम को अपना पूर्वज मानेगा, मुझे उन्हीं का वोट चाहिए, नहीं तो अगर दूसरा कोई डाल देगा तो मेरा मत पेटिका अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा कौन है ये, कौन है विधायक जी, कौन है जो प्रभु राम को अपना नहीं आदर्श मानेगा, उसके लिए मैं कह रहे हैं, और भारत माता को भारत माता नहीं मानेगा तो ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो भारत माता को नहीं मानेगा मुझे देश द्रोहियों का वोट चाहिए ही नहीं। किस कौन है वो? अब जो हो आप लोग जानिए, आपका मानक देश द्रोही में क्या है? जो भारत माता को नहीं मानेगा वो देश द्रोही ही माना जाएगा।